सपा व्यापार सभा के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने वर्ष 2020 में आर्थिक बदहाली से त्रस्त होकर आत्महत्या करने वाले व्यापारियों की याद में सोमवार को कंपनी बाग मुरादाबाद में कैंडल मार्च का आयोजन किया। दिनांक 15/11/2021 को समाजवादी व्यापार सभा द्वारा प्रदेश अध्यक्ष संजय गर्ग के निर्देश अनुसार ये कार्यक्रम आयोजित किया गया तथा वर्ष 2020 में व्यापारियों के द्वारा की गई आत्महत्याओं के विरोध में प्रदर्शन किया गया और मोमबत्ती जलाकर उन सभी व्यापारियों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर विभिन्न वक्ताओं ने कहा कि एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में 11,716 व्यापारियों ने आत्महत्या की। ये हताशा वर्तमान सरकार की गलत नीतियों का नतीजा है। व्यापार सभा के पदाधिकारियों ने कहा कि हम उन दिवंगत व्यापारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन व्यापारियों की आत्महत्याओं की जिम्मेदार सरकार से मांग करते हैं कि वो अपने इस कुकृत्य के लिए मृतक व्यापारियों के परिजनों से माफ़ी मांगे। आज की इस श्रद्धांजलि सभा में व्यापार सभा के प्रदेश सचिव पंडित सत्येंद्र शर्मा, जिलाध्यक्ष पंडित समीर शर्मा, जिला महासचिव तरुण मदान, महानगर अध्यक्ष संजय अग्रवाल तथा शोभित अग्रवाल, शैलेंद्र यादव, मनोज सैनी, हीरो शीमा गुप्ता, मोहम्मद इब्राहिम, शाहिद हुसैन, धीरज पाल सिंह, राजकुमार शर्मा, तारिक हुसैन, खलील अहमद, संजीव प्रभाकर, शाहरुख सलमानी, डॉक्टर आसिल आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। गांधी प्रतिमा के नीचे खड़े होकर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए सपा व्यापार सभा के महानगर अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने बताया, एक एनसीआरबी के सर्वे के अनुसार एक भाजपा सरकार ने सबसे पहले जो है वो नोटबंदी करी, फिर उसने जीएसटी लागू किया, फिर उसके बाद में लॉकडाउन किया। इससे ग्रसित होकर एक एनसीआरबी सर्वे के अनुसार 11,716 व्यापारियों ने आत्महत्या कर ली। हमारा ये मोमबत्ती जला करके उनको एक श्रद्धांजलि अर्पित करने का एक संदेश है और भाजपा सरकार से हम ये मांग करते हैं कि उनके परिजनों से अपने इस गलत रवैये की वजह से माफ़ी मांगे। व्यापार सभा के जिला महासचिव तरुण मदान ने इस अवसर पर कहा, यही कहूँगा कि इस भाजपा की सरकार में जो व्यापारियों के साथ जो कार्य हो रहे हैं उससे व्यापारी आत्महत्याएँ कर रहे हैं और ये एनसीआरबी के सर्वे के अनुसार सन 2020 में 11,716 व्यापारियों ने आत्महत्याएं की। 11,716 परिवार के जो मुखिया थे, जो कमाने वाले थे, वो चले गए। आज उनके परिवार सब बेकार घूम रहे हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं है कहीं से कहीं तक। ये जो सरकार है भाजपा की है, इसमें कुछ नहीं है, केवल ये लोग अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहते हैं कि हमने ये किया। सपा व्यापार सभा इस सिलसिले में क्या डिमांड करती है सरकार से? हम ये चाहते हैं कि व्यापारियों का शोषण बंद हो, व्यापारियों का आप सम्मान करें, व्यापारियों को कुछ सहूलतें दें जिससे कि व्यापारी आगे बढ़ सके। ये इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करते हैं और हम ये चाहते हैं कि ये उससे उन श्रद्धांजलि जो परिवार जिनके डेथ हुई हैं उनसे माफ़ी मांगें जो इन्होंने कुकृत्य किया है इस तरीके। प्रदेश सचिव पंडित सत्येंद्र शर्मा ने इस अवसर पर कहा, व्यापार सभा आज माननीय संजय गर्ग जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके आह्वान पे पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हर छोटे से लेके बड़े कस्बे में, शहर में, तहसील में हर इकाई हमारी इस जो ये 11,716 व्यापारियों ने मजबूर होकर, जब उनके बिल्कुल लॉकडाउन और जीएसटी और नोटबंदी के बाद व्यापार ठप हो गए तो मजबूरी में उन्होंने आत्महत्या की। इससे बड़ा दुर्भाग्य मैं नहीं समझता कि आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने बड़े समूह ने आत्महत्या करी है मोदी जी के शासनकाल में, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उन सारे परिवारों के साथ समाजवादी व्यापार सभा खड़ी है और हम मांग करते हैं कि इसके लिए, इस कुकृत्य के लिए भारतीय जनता पार्टी के हर नेता को उनके घर जाके माफ़ी मांगनी चाहिए, उनके पैर छूने चाहिए और उन्हें मुआवजा देना चाहिए।